हम लोग देखने वाले हैं प्रक्षेपण तीर के प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है ऑफसाइट एटीएम क्या है। तो ये क्या है? तो ये है ऐसे एटीएम जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या एक का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ब्रुसेल्स में, और ये जो है बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी नाटो की? तो ये हुई थी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो इसमें है 22 भाषाओं का उल्लेख। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसमें समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है और प्रजातांत्रिक है। लेकिन ये संघात्मक, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। और समाजवादी, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता, इन तीनों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये भी प्रश्न बनता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो ये सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में, 8-9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग सौंपा गया था जगजीवन राम को। तो 7 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर सज्जनदान सिन्हा ये अस्थाई अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किए जाते हैं उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो 9 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन ए राइट है। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? तो ये है पीटीबीटी का सदस्य। पीटीबीटी का मतलब क्या होता है? तो यह होता है पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट ब्यूरो ट्रीटी, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में कहते हैं आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? किस त्यौहार के अवसर पे? तो दीपावली के अवसर पे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? तो चारों ऑप्शनों में से जो 3 ऑप्शन है वो हैं, एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो 2 ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ए और बी। तो ये दोनों तो हैं, देखिए यहीं पे आंसर बता दे रहा हूँ। खाद्य और कृषि संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है, और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन ये भी है। बाकी के 2 ऑप्शन देखते हैं। बाकी के 2 ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें राइट आंसर क्या है? तो देखिए इसमें राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 में, वो है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसे जो है किसान खाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी कितनी होगी? तो ये होगी कुल 1 लाख लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केले का कायिक प्रवर्धन होता है, कैसे होता है? तो ये होता है संकर द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही है? तो ये है यूरिया,
16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? तो ये है फूल आने से पूर्व की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है, तो ये मापी जाती है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है, तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो इन्हीं दोनों में से राइट आंसर है, तो पेक्टिन का मुख्य कार्य है फलों के रसों का जो है थक्का बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपीन के कारण। नींबू का फल प्रचुर स्रोत है, तो ये है सिट्रिक एसिड का, तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये है नागपुर में, 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष नसीरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंपा? तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1394 ईस्वी में नसीरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंपा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो ये ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, और इसकी स्थापना यानी इसको बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कार्नवालिस के समय। पटना में जो स्थित गोलघर है उसका निर्माण हुआ था लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो ये किया था अली गौहर ने, 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है श्यामलाल गुप्ता पार्षद, 27 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है, तो ये है थायरोक्सिन, 28 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये है उबालना भी है, स्ट्रूइंग और खदकाना, ये तीनों हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 29 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है, तो ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है ये है खमीरीकरण, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं? तो आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, इसे हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। वैसे तो 6 से 12 वर्ष की आयु को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं, लेकिन इसको दो भागों में बांटा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो 2 से 6 वर्ष की आयु पूर्व बाल्यावस्था की आयु होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जल प्रदूषण का कारण है, तो क्या है जल प्रदूषण का कारण? तो कीटनाशक भी है, मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, जल प्रदूषण का कारण ये तीनों हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो मनोवैज्ञानिक विकास से भी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इन तीनों से है, तो 33 का ऑप्शन डी राइट है। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो इनमें कौन जो है बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है PV सिंधु। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। LSD के सेवन से होता है, तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मानसिक विभ्रम। व्यायाम के लाभ हैं, तो व्यायाम के लाभ क्या हैं? तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी हैं, भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि, ये तीनों हैं, तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, कब चुना गया? तो ये चुना गया था दिसंबर 1946 ईस्वी में।
भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नीति से या फिर कार्यान्वयन से। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो 40 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार का बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक का। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो तीन जो दिए हुए हैं वो सदस्य हैं, एक नहीं है, तो वही बताना है कौन नहीं है। तो 41 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन बी राइट है, सुदत्त मुंडले, ये नहीं है, तो यही पूछा है कौन नहीं है। 42 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, ये जो है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है। 43 नंबर का प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है प्रथम उपदेश, और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ वाराणसी में, और प्रथम उपदेश को ही जो है हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक के अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1815 में। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो किस वायसराय के शासनकाल में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के समय। 48 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो ये भेजा था अकबर द्वितीय ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1856 में, और किसके प्रयासों से? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे? तो 51 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबा फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर, इनके शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो ये था बाबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास हुआ है? तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड में। इनमें से कौन राष्ट्र विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये राष्ट्र विकास परिषद के अंतर्गत नहीं आते हैं। पचपन नंबर के प्रश्न में सूची ए को सूची दो से मिलान करना है, ए बी ओ यहाँ पे दिए गए हैं, सी ओ डी यहाँ पे हैं। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है वीडियो जो है एक बार बैक करके देख लेंगे क्वेश्चन दोबारा, और फिर जो है अपना आंसर मिला लेंगे। तो 55 में राइट आंसर है ऑप्शन ए,
ए का 3 है, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। यानी नरसिंहन समिति है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, बाकी आप लोग देख लेंगे एक बार। वे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो 56 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुध और शुक्र। ये ऐसे दो ग्रह हैं जिनके की कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप द्वीप समूह किसमें स्थित है? तो ये स्थित है अरब सागर में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो ये कहते हैं पामीर की पठार को। निम्नलिखित में से कौन संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो यह है सहारा मरुस्थल। निम्न का कालानुक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यानी जो है कौन सी घटना पहले हुई थी और उसके बाद कौन सी हुई थी, फिर लास्ट में कौन सा, तो यही आपको लगाना है। तो आइए इसको मिलाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हुआ था, ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन 1905 में। फिर उसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। फिर इसके बाद हुआ था दांडी मार्च, ये हुआ था 1931 में। और सबसे लास्ट में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो यानी सबसे पहले आएगा 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3। तो ऑप्शन भी राइट है 61 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए मिलान करते हैं। एम है विपिन चंद्र पाल, तो ये न्यू इंडिया से संबंधित हैं। बी अरविंदो घोष, ये संबंधित है वंदे मातरम से। सी में है ब्रह्मो बंधव उपाध्याय, तो ये संबंधित है संध्या से। और मोहम्मद अली, तो ये संबंधित है कॉमरेड से। तो ए का 1 है और बी का है 3, कौन से ऑप्शन में है? ए का 1, बी का 3, दो ऑप्शन में है। और सी का था 4। तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, तो ये निकाला जाता था केसरी। और ये केसरी ये था आपका मराठा में। और बाल गंगाधर तिलक का एक और प्रसिद्ध पुस्तक है, वो है मराठा। तो मराठा था आपका अंग्रेजी में। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये थे वीडी सावरकर। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई? तो स्वराज दल की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास द्वारा। वर्ष 1907 में मैडम भिखाजी कामा, जो भारत की आजादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी, तो कहाँ फहराया गया था मैडम भिखाजी कामा के द्वारा आज़ादी का ध्वज? तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टुटगार्ट में। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था 2006 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी कहाँ है? तो ये है जबलपुर में। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो प्लास्टिक के थैले में
प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो आइए मिलान करते हैं इसको। एक का जाएगा एक में और बी का जाएगा आपका दिया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ये जाएगा ऑप्शन यानी दो में। धूलकण ये किस में जाएगा, तो धूलकण इससे होता है श्वास संबंधी रोग, यानी कि ये सब मिले हुए हैं एक दो तीन और चार। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोनर्व्स बनाए गए हैं, तो यूरोनर्व्स बनाए गए हैं वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिनके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं, तो ये है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है नेशनल पार्क और अभयारण्य। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो ये जैविक खेती है। नीचे दी गई सूची में उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है, तो ये है नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है, तो चारों आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है प्रदर्शित करती है, तो ये हिमानी का पिघलना भी होगा, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और ग्लोबल तापमान में वृद्धि, ये चारों हैं। तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। जंगली गद्दों का अभयारण्य कहाँ है, तो ये है गुजरात कच्छ के रण में। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, तो इन चारों में से जो है किसे यूनेस्को ने जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, तो इसमें नीलगिरी जयमंडल रिजर्व को और नंदा देवी जयमंडल रिजर्व को यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, बाकी ये दोनों नहीं है। तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सिमलीपाल ये नहीं है, बाकी सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, ये तीनों जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हैं। 82 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो ये है प्राकृतिक वास का विनाश। सही युग्म को चुनिए, तो सही युग्म आपको बताना है कौन सा है, तो 85 में ऑप्शन डी राइट है, ये खजुराहो का मंदिर, ये चंदेल राजवंशों के द्वारा बनवाया गया था। बाकी भी ऑप्शन हम लोग देखते हैं, एलोरा कंदराएं, ये साका ये गलत है, क्योंकि एलोरा गुफाओं का निर्माण किया था राष्ट्रकूट शासकों ने, और ये औरंगाबाद में है। बाकी आपका दिया है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किया था पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का। ऑप्शन सी में दिया है मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण ये करवाया था पांडव शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए, और ये केरल में है पेरियार अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक
को सूची दो से सुमिलित कीजिए और सही उत्तर बताना है आपको। एक तरफ आपको जैव मंडल स्थल दिया है और दूसरी तरफ दिया है स्थापना वर्ष। तो नीलगिरी जैव मंडल स्थल ये घोषित हुआ था 1986 में, तो ए का हो गया 4, तो एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन बी में, तो यहाँ से आसानी से आप लोग कर लेंगे अगर एक भी ऑप्शन आपको पता होगा तो। नंदा देवी ये घोषित हुआ था 1988 में, सुंदरवन ये 1989 में और कंचनजंगा 2000 में। अट्ठासी नंबर का प्रश्न है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो ये विभाजित किया था 2000 में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो बिहार के खगड़िया जिले से। 89 का ऑप्शन डी राइट है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी हुआ था मार्च 21, 1994 को। तो इस वीडियो में जो है जितने भी जीके जीएस और करेंट और भूगोल के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने कवर कर लिया। और इसी तरह जो है आप लोगों को पूरे 20 प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगले प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।